वेलकम टू ऑल, आई एम डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDP गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का टॉपिक है फंजाय पक्सीनिया। पक्सीनिया का जो क्लासिफिकेशन है, इसे किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यू माइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियो माइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूडोनेल्स, फैमिली पक्सीनियेसी और जीनस पक्सीनिया एंड स्पीशीज क्रैमिनेस। तो ये पूरा इसका पक्सीनिया का क्लासिफिकेशन है। पक्सीनिया का जो ऑर्डर है वो यूरिडी नेल्स है, और ये है क्योंकि सारे ही फंजाई पैरासाइट्स होते हैं, तो इसी तरह से ये जो फंगस पक्सीनिया है ये भी पैरासाइट है, और पैरासाइट में भी ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी इसे ग्रोथ करने के लिए लिविंग प्रोटोप्लाज्म की ज़रूरत होती है। तो यूरिडिनेल्स में आने वाले जो फंगस हैं, जैसे कि पक्सीनिया है, ये पौधों में रस्ट डिजीज़ करता है। इसे हम ऐसे भी याद सकते हैं, यूरिडिनेल्स रस्ट फंजाई। पक्सीनिया जो है वो काफ़ी बड़ा जीनस है, और इसकी लगभग 1800 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इंडिया में इसकी स्पीशीज़ लगभग 147 से ज़्यादा ही पाई जाती हैं। इंडिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया रिकॉन्डिडा, पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस। पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो पक्सीनिया की स्पीशीज़ है, यह है ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट डिजीज़ करती है गेहूं में ही। ब्लैक स्टेम रस्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इससे जो बनने वाले इस फंगस के स्पोर्स के कारण जो धब्बे बनते हैं वो ब्लैक या ब्राउन कलर के या थोड़े रेडिश दिखाई देते हैं। मेनली ये ब्लैक या रेडिश कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे ब्लैक रस्ट डिजीज़ कहते हैं। पक्सीनिया रिकॉन्डिडा भी गेहूं के अंदर येलो रस्ट डिजीज़ करता है, ब्राउन रस्ट डिजीज़ करता है, और इसके जो यूरिडोपिटिका या यूरिडोपसल्स होती हैं वो ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस जो है वो गेहूं में येलो रस्ट करता है, और इसकी जो यूरिडोपिटिका है या यूरिडोपसल्स हैं वो येलो या नारंगी कलर की होती हैं। तो सिम्टम के बेसिस पे इनको ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट या येलो रस्ट डिजीज़ ऑफ वीट कहते हैं। पक्सीनिया स्पीशीज़ जो है वो सीरियल क्रॉप्स में या खाद्यान्न फसलों में रस्ट डिजीज़ करता है या किट रोग करता है, और ये खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, जौ, जई, मक्का आदि। तो इसमें गेहूं में होने वाली हम तीनों डिजीज़ को कंपैरिजन करें तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक रस्ट है उसमें हमें बिल्कुल रस्टी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो रस्टी अपीयरेंस है, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, जैसे कि किसी लोहे पे जंग लगने पर जो कलर आता है थोड़ा सा, उसे हम रस्ट, उसी तरह का इसमें सिम्टम हमें दिखाई देता है, इसलिए हम कहते हैं इसको ब्लैक रस्ट। तो अभी आपको ये रस्टी कलर भी दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, लाइट ब्राउन में। बाद में इसकी जो मेन स्टेज, जो इसकी सेकंड स्टेज होती है टैलिटू स्पोर, वो ब्लैक कलर के स्पोर्स क्लियर दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको ब्लैक रस्ट कहते हैं। येलो रस्ट में जो यूरिडोपसल्स हैं या यूरिडो स्पोर्स के जो आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो ब्राइट येलो कलर के दिखाई देंगे, और ब्राउन के अंदर वो डार्क ब्राउन कलर के हमें धब्बे दिखाई देंगे। तो इन तीनों के सिम्टम के बेसिस पे इनको ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट डिजीज़ में बांटा गया है। पक्सीनिया की जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है वो है पक्सीनिया ग्रैमिनिस, और यह आंतरिक अविकल्पी परजीवी है, और ये हेट्रोशियस फंगस है। हेट्रोशियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना जीवन चक्र जो है वो दो परपोषी यानी दो होस्ट में पूरा करता है,
और इसके दो हॉर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वीट प्लांट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा है बर्बेरी प्लांट या बर्बेरिस वल्गैरिस। तो इस कारण इसको हम हेट्रोशियस या भिन्नाश्रयी कवक भी कहते हैं। पक्सीरिया की जो प्लांट बॉडी है वो कहलाती है वो बनाती है कवक जाल, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। और ये जो माइसीलियम है ये दो प्रकार का होता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम। मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या होते हैं और डाइकैरियोटिक माइसीलियम किस तरह से बनता है, ये हम लास्ट क्लास अस्टिलेगो फंजाई जो पढ़ा था जिसमें हमने उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो प्राइमरी होस्ट यानी कि गेहूं में पाया जाएगा, और जबकि जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है वो पक्सीनिया के दूसरे होस्ट बर्बेरी प्लांट में पाया जाता है। माइसीलिया जो है वो कई सारे कवक तंतु या फंगल हाइफी से मिलकर बना होता है। दिस पिक्चर शो मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में प्रत्येक सेल में एक केंद्रक होगा, जबकि डाइकैरियोटिक माइसीलियम में एक ही सेल में दो प्रकार के केंद्रक होंगे, जिसमें से एक प्लस स्ट्रेन का होगा और एक माइनस स्ट्रेन का होगा। तो फंगल हाइफी पक्सीनिया कैसे होते हैं? इंटरसेल्युलर, सेप्टेट यानी पटयुक्त और शाखित, और माइसीलियम जो है वो होस्टोरिया या चूषकांग के द्वारा परपोषी कोशिका से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं। डाइकैरियोटिक माइसीलियम की प्रत्येक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे डाइकैरियोन, और जबकि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में एक न्यूक्लियस होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे मोनोकैरियोटिक या एक केंद्र की कवक जाल। पक्सीनिया के कवक तंतु की प्रत्येक कोशिका में सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, और सेल वॉल जो होगा वो स्पेशली फंगल सेल्यूलोज काइटिन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक सेल के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स, ग्लाइकोजन बॉडीज व ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। नाउ रिप्रोडक्शन इन पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है वह फंगस है जो गेहूं में रस्ट डिजीज या किट रोग उत्पन्न करता है, और यह अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरी करता है। पक्सीनिया ग्रैमिनस की पूरी लाइफ साइकिल में पांच प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए इसको हम मैक्रोसाइक्लिक फंजाई या फंगस कहते हैं, क्योंकि इसमें पांच प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। ये हैं यूरिडोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स, थर्ड बेसिडियोस्पोर्स, फोर्थ पिकनिडियोस्पोर्स एंड फिफ्थ एसिडियोस्पोर्स। जो फर्स्ट स्टेज होती है पक्सीनिया में वो होती है यूरिडोस्पोर स्टेज। यूरिडोस्पोर स्टेज जो है ये पक्सीनिया का प्राइमरी होस्ट या प्राथमिक परपोषी यानी गेहूं में पाया जाता है। और यूरिडोस्पोर्स कैसी संरचना है? यूरिडोस्पोर जो है व्रंथयुक्त है, एक कोशिकीय हैं, गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं, और इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियस पाए जाएंगे। यूरिडोस्पोर्स का निर्माण जो है वो एसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है, और ये एसिडियोस्पोर्स कहाँ से आते हैं? पक्सीनिया के दूसरे वैकल्पिक परपोषी या ऑल्टरनेट होस्ट बर्बेरी प्लांट से। ड्यूरिंग अर्ली समर एसिडियोस्पोर्स इन्फेक्ट वीट प्लांट्स एंड प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और अर्ली समर अवस्था में जो एसिडियोस्पोर्स हैं वो गेहूं को इन्फेक्ट करेंगे और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। माइसीलियम की वृद्धि की वजह से कई लाल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, वह धारियां बनती हैं पत्ती की ऊपरी सरफेस पर, इसे हम कहते हैं यूरिडो पसल्स या यूरिडो पिटिकाएँ। और प्रत्येक पसल या पिटिका में कई सारे यूरिडोस्पोर्स का समूह पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरिडोसोरस। और इस यूरिडोसोरस में कई प्रकार के मतलब कई सारे यूरिडोस्पोर्स पाए जाते हैं। होस्ट प्लांट यूरिडोस्पोर्स की संख्या अधिक होने पर होस्ट प्लांट की जो एपिडर्मिस है वो फट जाएगी और यूरिडोस्पोर्स बाहर मुक्त हो जाएंगे, और ये हवा के द्वारा अन्य जो हेल्दी पौधे हैं, स्वस्थ पौधे हैं, उनको ये इन्फेक्ट करते हैं।
यूडोस्पोर जो है वो गेहूं के पौधे में रंध्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं और डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। अगर आप गेहूं की पत्ती का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो जो कि पक्सीनिया से इन्फेक्टेड है, तो पत्ती का टीएस काटने पर आपको जो रेडिश ब्राउन कलर के जो गोलाकार स्पोर्ट्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सब यूरिडोस्पोर्स, और इनके नीचे जो लाइट कलर है वो है माइसीलियम, और ग्रीन कलर के जो भी सारे टिशू हैं वो गेहूं के यानी होस्ट प्लांट के टिशू हैं। सेकंड जो अवस्था आती है पक्सीनिया में वो आती है टेलिटोस्पोर। टेलिटोस्पोर्स जो हैं वो वीट प्लांट में ही पाई जाती है ये स्टेज भी, और ये अवस्था कब आती है जब वातावरण हॉट हो यानी गर्म हो। गर्म वातावरण के अंदर जो है गेहूं में जो कवक जाल है पक्सीनिया का वो यूरिडोस्पोर बनाने की जगह टेलिटोस्पोर बनाना शुरू कर देता है, और ये जो टेलिटोस्पोर्स होते हैं ये समूह में कहलाते हैं टेलिटोसोरस। टेलिटोस्पोर्स जो होता है वो सेवरंथ यानी स्टॉक्ड होगा, द्विकोशिकीय होगा और कॉनिकल शेप में होगा, जबकि यूडोस्पोर जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो एक कोशिकीय होता है, जबकि जो टेलिटोस्पोर्स होता है वो द्विकोशिकीय होता है। और जो टेलिटोस्पोर्स हैं स्पेशली ये लीफ शीथ और तने पर काले रंग की धारियां उत्पन्न करते हैं। टेलिटोस्पोर्स भी जो हैं वो होस्ट प्लांट के एपिडर्मिस के ब्रेक होने पे या नष्ट होने पर फ्री हो जाते हैं, लेकिन ये गेहूं के पौधे को दोबारा अटैक नहीं करते और ये मिट्टी में ही डॉर्मेंट अवस्था में रहते हैं तथा मिट्टी में ही अंकुरित हो जाते हैं। तो अगर आप पत्ती का टीएस काटेंगे तो इसमें आपको टेलिटोस्पोर्स दिखाई देंगे जो कि थिक वॉल्ड है, दो कोशिकाओं से मिलकर बना है। थर्ड स्टेज जो आती है पक्सीनिया में वो आती है बेसिडियोस्पोर अवस्था या बेसिडियोस्पोर स्टेज। टेलिटोस्पोर के अंकुरण होने का जो अंकुरण है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है, और ये अंकुरण के समय टेलिटोस्पोर की दोनों कोशिकाओं से एक एक जर्म ट्यूब निकलेगी, इसे कहते हैं प्रोमाइसीलियम या एपीबेसिडियम। और टेलिटोस्पोर की कोशिका का जो द्विगुणित केंद्रक है वो एपीबेसिडियम में आ जाएगा, यहाँ पर मियोसिस होगा जिससे चार अगुणित केंद्रक होंगे, फिर इसके बाद एपीबेसिडियम में सेप्टा बनेंगे और प्रत्येक जिससे ये चार कोशिकीय हो जाएगा और प्रत्येक कोशिका में एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा। इस प्रकार से इससे जो स्पोर्स बनेंगे एपीबेसिडियम से इसे कहेंगे बेसिडियोस्पोर्स, और इनमें दो स्पोर्स प्लस स्ट्रेन के होंगे और दो स्पोर्स माइनस स्ट्रेन के होते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एपीबेसिडियम से चार कोशिकीय तंतु निकल रहा है और फिर इससे बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है, जिसमें टोटल चार बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जिसमें दो प्लस स्ट्रेन के होंगे और दो माइनस स्ट्रेन के होते हैं। चौथी जो अवस्था आती है गेहूं में यानी यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स, इसके बाद जो चौथी अवस्था आती है पक्सीनिया में, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में, वो आती है पिकनीडियोस्पोर अवस्था। पिकनीडियोस्पोर जो अवस्था है वो बेसिडियोस्पोर से शुरू होती है, यानी जो बेसिडियोस्पोर्स होगा वो वापस से गेहूं को इन्फेक्ट ना करके इसके दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करता है यानी बर्बेरी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और बर्बेरी प्लांट में जब वातावरण अनुकूल होगा यानी ह्यूमिडिटी होगी तो ये बेसिडियोस्पोर्स अंकुरित होंगे, और प्रत्येक बेसिडियोस्पोर से एक जर्म ट्यूब निकलेगी, इसे हम प्राइमरी हाइफा भी कहते हैं,
और इससे जो माइसीलियम बनेगा वो होगा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। बेसिडियोस्पोर के स्ट्रेन के हिसाब से माइसीलियम होगा, अगर प्लस स्ट्रेन का बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होता है तो प्लस स्ट्रेन बनाएगा, माइनस का माइनस स्ट्रेन बनाएगा। पिक्निडियोस्पोर बनाने वाला जो कवक जाल या माइसीलियम है वो पत्ती की ऊपरी सतह या डॉर्सल सतह पर पाया जाता है। अगर पत्ती का टीएस काटा जाए तो उसमें जो फ्लास्कनुमा संरचना दिखाई देती है उसे हम कहते हैं पिक्निडियम, और ये पिक्निडियम जो है ऑस्टियोल के द्वारा खुलता है। प्रत्येक ऑस्टियोल के चारों ओर जो है स्टराइल या बंधे रोम पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं पेरिफाइसिस। पिक्निडियम की लोअर सतह पर यूनिन्यूक्लिएट हाइफी बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर, और इन स्पर्मेटोफोर के टिप से जो है स्पोर्स बनते हैं वो कहलाते हैं पिक्निडियोस्पोर्स या स्पर्मेशिया। पिक्निडियोस्पोर्स भी जो है प्लस या माइनस स्ट्रेन के पाए जाते हैं। द फ्लेक्सस हाइफी एंड पिक्निडियोस्पोर्स ऑफ ए पिक्निडियम बिलोंग्स टू वन स्ट्रेन बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ सिंगल बेसिडियोस्पोर। द पिक्निडियोस्पोर और स्पर्मेशिया आर लिबरेटेड एंड डिस्पर्स बाय विंड। द पिक्निडियोस्पोर्स ऑफ वन स्ट्रेन इज ट्रांसफर टू फ्लेक्सस हाइफी ऑफ द अपोजिट स्ट्रेन बाय इंसेक्ट्स। तो कीटों के द्वारा जो ये पिक्निडियोस्पोर्स हैं इनका प्रकीर्णन होता है, और ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के पिक्निडियोस्पोर्स जो हैं वो उनमें फ्यूज़न होगा और जिससे अल्टीमेटली डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। तो यह पिक्चर हम देख रहे हैं कि इसमें एसिडियोस्पोर एंजियम का निर्माण हो रहा है। लास्ट स्टेज जो है पक्सीनिया की स्पोर स्टेज वो है एसिडियोस्पोर स्टेज। ये अवस्था भी बर्बेरी प्लांट में ही पाई जाती है, लेकिन ये पत्ती की लोअर सतह पर पाई जाती है यानी लोअर एपिडर्मिस पे। एसिडियोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं स्पर्मेटाइजेशन, जो पहले पिक्निडियोस्पोर्स के बीच में जो स्पर्मेटाइजेशन होता है उनसे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, और फिर इन डाइकैरियोटिक माइसीलियम से जो स्पोर्स बनेंगे वो कहलाएंगे एशियोस्पोर्स या एसिडियोस्पोर्स, और ये स्पोर्स भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, द्विकेंद्र के होते हैं, और इनकी भित्ति काफ़ी पतली व नारंगी रंग के होते हैं यानी ऑरेंज कलर के होते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कपनुमा होती है एसिडियोफोर की, सॉरी एसिडियम की। इनसे जो द्विकेंद्र की कवक तंतु निकलता है उसे बोलते हैं एसिडियोफोर, और इनसे ही फिर अल्टीमेटली एसिडियोस्पोर्स बनता है। एसिडियोस्पोर जो हैं वो भी डाइकैरियोटिक होते हैं, और परिपक्व अवस्था आने पर ये प्रकीर्णित हो जाएंगे वायु के द्वारा, और ये वापस से पहुंच जाएंगे वीट प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए। तो बर्बेरी प्लांट पे जो एसिडियोस्पोर्स होते हैं वहाँ से वो डिस्पर्स होकर पुनः गेहूं के पौधे को इन्फेक्ट करते हैं, और वापस से फिर एसिडियोस्पोर्स से या एसिडियोस्पोर्स से व्यूडोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पक्सीनिया ग्रैमिनियस की जो लाइफ हिस्ट्री है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है यानी बहुरूपता शो करती है। क्यों? क्योंकि ये इसमें 5 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, और इसमें जो है काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस पाई जाती हैं।
जैसे गेहूं में यूरिडोस्पोर्स और टेलिडोस्पोर्स स्टेज पाई जाती है जो कि पैरासिटिक लाइफ है, क्योंकि ये दोनों स्पोर्स गेहूं के पौधे में बनते हैं। और जो भी इसके अलावा सेप्रोफिटिक लाइफ स्टेज भी आती है जो कि बेसिडियो स्पोर अवस्था को रिप्रेजेंट करती है, ये बनते हैं सॉइल में। वापस से फिर पैरासिटिक लाइफ साइकिल आती है जो कि बर्बेरी प्लांट में होती है, और ये रिप्रेजेंट होती है पिकनिडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर अवस्था के द्वारा। तो इस पिक्चर में पूरा पक्सीना की लाइफ साइकिल शो कर रखी है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ गेहूं के प्लांट पर पक्सीनिया के यूरिडोस्पोर अवस्था इसमें दिखाई दे रही है। उसके बाद आती है द्विकोशिकीय टेलिडोस्पोर्स। टेलिडोस्पोर्स से क्या बनेंगे? बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? पिकनिडियोस्पोर्स। पिकनिडियोस्पोर्स से फिर बनेंगे वापस से एसिडियोस्पोर्स, और ये एसिडियोस्पोर्स जो है वापस से गेहूं के प्लांट को इन्फेक्ट करके बनाएंगे यूरिडोस्पोर्स। जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस्टेटिसाई है ये पौधों में करती है ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज़। इस रस्ट डिजीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसका नियंत्रण किया जा सकता है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी अफेक्टेड गेहूं के प्लांट हैं उनको आप खेत में से हटा दें और जला दें। दूसरा, इसका जो ऑल्टरनेट होस्ट है बर्बेरी प्लांट, उसको हटा दिया, उसका उन्मूलन कर दिया जाए मैदानों और पहाड़ों से। इससे जब इसका दूसरा ऑल्टरनेट होस्ट बर्बेरी प्लांट नहीं रहेगा तो पक्सीना की लाइफ साइकिल भी पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा रस्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई सारे फंजीसाइड जैसे कि निकल सल्फेट, सल्फेडिया डाइजीन, नेफ्थाक्विनोन, जिंक सल्फेट आदि फंजीसाइड्स का स्प्रे करके भी इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे अच्छा उपाय ये है कि रस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ उगाई जाएँ, यानी किट प्रतिरोधी किस्में गेहूँ की उगाई जाए ताकि उनमें किट रोग ना हो। अब ये वैराइटीज़ कौन कौन सी हैं? NP 797, 798 एंड 799। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। थैंक यू।